और आइए अब ये जानते हैं कि क्वाड देशों को चीन से क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये संगठन बना। 30 सेकंड में देखिए क्वाड की चीन से तनातनी पर ये खास रिपोर्ट। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रेटेजिक चुनौती है। साउथ चाइना सी में ड्रैगन लगातार दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री असेट्स डेवलप किए हुए है। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर अपना असर बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिका की पॉलिसी पूर्वी एशिया में चीन को काबू करने की है, इसी वजह से वो क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से दबदबा हासिल करने के अवसर के तौर पर देखता है। अमेरिका ने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रूस के साथ साथ चीन को भी स्ट्रेटेजिक राइवल कहा है। क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए भी चीन बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपनी जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स में चीन की बढ़ती रुचि और यूनिवर्सिटीज में उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता है। चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि उसने चीन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रखी है। जापान पिछले एक दशक में चीन से सबसे ज्यादा परेशान रहा है, जो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझक रहा। जापान की इकोनॉमी एक तरह से चीन के साथ होने वाले ट्रेड वॉल्यूम पर निर्भर है, इस वजह से जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं में संतुलन साध रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।